back to my channel. So, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये easy peasy सा दिवाली मेकअप लुक. इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज किए हैं सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स. इसमें कोई भी फाउंडेशन कोई कंसीलर मैंने यूज नहीं किया. ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक है और अगर ये मेकअप लुक आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी आईज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टे कर्की का प्राइमर. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, सो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए प्राइमर काफ़ी अच्छा है. साथ में ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है. सो ये एक मैटिफाइंग प्राइमर है, सो जिनके ओपन पोर्स हैं ये बहुत अच्छे से फिल इन कर देता है और साथ में एक बहुत स्मूथ बेस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कर्की का कॉम्पैक्ट. ये थोड़ा सा पाउडरी है और साथ में आपको ये शेयर टू मीडियम कवरेज देता है. एवरीडे के लिए ये कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कर्की का न्यू लॉन्च. सो स्टे कर्की ने लॉन्च किया अपने न्यू आईलाइनर. इनका जो टिप है वो बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत फ्लेक्सिबल और बेंडेबल है, सो जिससे आप बहुत ईजिली अपना आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं. सो ये ब्राउन शेड का है और ये मैट ब्राउन शेड है, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउज को फिल इन करने के लिए. सो ये परफेक्ट शेड है, आप इसे एज अ ब्राउ प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो और एज अ ब्राउन आईलाइनर भी. आप देख सकते हो इसने बहुत नेचुरली मेरे ब्राउज को फिल किया है. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कर्की का काजल, दैट इज़ आई लव यू 2 काजल. ये काफ़ी ब्लैक एंड अफोर्डेबल काजल है. सो इसे मैं अपनी आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ इस तरीके से वी शेप में. नेक्स्ट मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एक स्टिफ और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से. आप इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो. आपको इसे अपने क्रीज तक ब्लेंड करना है कुछ इस तरीके से और जो भी प्रोडक्ट बच जाए उसे आप अपने लोअर लैश लाइन के 1/3 पे अप्लाई कर लो. सो मैं दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई करके इसे ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कर्की की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड किस बडीज 20. ये कोरल शेड है, आप कोई भी पसंद की अपनी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो. सो ये बहुत अच्छा ट्रिक होता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग आई शेडोज भी लग सकते हैं अगर आप इन्हें यूज़ करो ऐसा आई शेडो. सो मैं इसे सिर्फ अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मैंने कोई कलर प्लेस नहीं किया था और ब्लैक कलर के साथ मिक्स कर लूँगी. सेम लिपस्टिक को मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी. अगेन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ब्लश होगा, तो मैंने अपने बैक ऑफ हैंड पे इसे लेकर देन फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है ताकि बहुत मार्क्स अपने फेस पे ना दिखाई दें. डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है. इस तरीके से ब्लेंड करूँगी तो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा. नेक्स्ट मैं लिपस्टिक को एज अ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. सो आई लव दिस शेड, इसलिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी अपने पसंद का शेड यूज़ कर सकते हैं. ये ब्राइट कोरल कलर है एंड देन मैंने फॉल्सीज अप्लाई किए हैं और उसके बाद सेम आईलाइनर को मैं अपने आईलैशेस के बैंड को हाइड करने के लिए और एक थोड़ा सा टिंट देने के लिए लाइक ब्राउन टिंट आईलाइनर की तरीके से यूज़ कर रही हूँ. एंड दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक. मेरा दिवाली मेकअप लुक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे, उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.